लोग इधर देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे शाहरुख खान के घर के सामने था। तो आप लोग हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे एंड अपने घर में सेफ होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं बैंड स्टैंड। अब वो भी कौन कौन जा रहा है? मैं और मेरा भाई और अशोक जो भाई का फ्रेंड है, और आज हम लोग जाने वाले हैं और फुल मस्ती करेंगे वहाँ पे सब लोग। एंड इस ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, आज बहुत सारा मज़ा होने वाला है, बहुत सारा इन्जॉय होने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई साहब, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, बट अभी हम लोग अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं अशोक का। पिछला व्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, हाजी मलंग का, वहाँ पे वो हमारे साथ गया था। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं उसी का, और कि जल्दी फटाफट आए और हम लोग टिकट वगैरह ले यहाँ से निकले। बट आज टिकट काउंटर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज संडे है ना, संडे को लोग बहुत ज़्यादा घूमने निकलते इसकी वजह से। तो चलिए पहले उसको आते हैं, फटाफट वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, टिकट वगैरह लेते हैं। बाबू जी अभी आ रहे हैं सामने, इसके फाइन काट ले इसका पहले, सबसे पहले लेट हो गया ना काफ़ी। तो गाइस, इतना मेहनत के बाद, मतलब लाइन लगने के बाद हम लोगों को तीन टिकट मिला है। ये देखिए, तीन टिकट है, और पहले डबल डोज का हम लोगों को दिखाना पड़ता था, अभी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो तीन टिकट मिल गए। तो गाइस, अभी हम लोग दादर पहुंच चुके हैं, दादर से वेस्टर्न लाइन में आके अभी हम लोग बांद्रा की ट्रेन पकड़े हैं। पर ये भाई साहब ने हमें घुमा डाला पूरा, ये भाई साहब ने पहले हमें उतार के बोले, बोलते हैं कि चर्च गेट जाने का, चर्च गेट के बाद फिर वहां से हम लोग रिटर्न आए कि नहीं हमें बांद्रा जाने का है। दो बार ट्रेन हमें चेंज करनी पड़ी है इसकी वजह से। और ये भाई साहब ये भी बोल रहे थे कि बार बार कि बांद्रा जाने का, बांद्रा जाने का, पर ये भाई साहब बोल रहे चर्च गेट जाने का, इसकी वजह से हम लोग गए नहीं उधर। सो गाइस, हम लोग बांद्रा पहुंच चुके हैं। तो भाई साहब, अभी हम लोग बस में जा रहे हैं टिकट वगैरह लेके। जब आप लोग बांद्रा से बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे ना सरकारी बस मिल जाएगी, ओनली 6 रुपये रेट है उसका, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको समय दे। और अभी जाएंगे, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे क्या? 5 मिनट में ना, 5 से 7 मिनट। और ऑटो का किराया 15 रुपये है। सो गाइस, हम लोग बैंड स्टैंड पहुंच चुके हैं, जस्ट हमारे उधर है सामने। और तो शाहरुख खान का घर भाई पीछे रह गया, अभी हम लोग घूम के जाएंगे इधर से पूरा। सो गाइस, हम लोग बैंड स्टैंड पहुंच चुके हैं, और इधर देख सकते हैं, इधर मेरे पार्क वगैरह, इधर और इधर समुंदर वगैरह, और सामने उधर है ब्रिज। सो गाइस, बैंड स्टैंड के बिल्कुल सामने का नज़ारा है ना, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप लोगों को मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चारों तरफ समुंदर समुंदर। और इधर सामने एक ब्रिज है, ये पूरा यहाँ पे ये समुंदर के बीच में बना है बिल्कुल एकदम। जब यहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है ना, ये पूरा भर जाता है यहाँ पे, ये पूरा। सो गाइस, जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग बंदे जो स्टंट वगैरह करते हैं स्लो मोशन में, ये वही जगह है। यहाँ से देखो ऊपर से किला जैसा बना है यहाँ पे, इसके ऊपर से लोग स्टंट करते हैं। चलो ऊपर जाके देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा आता है इसका। सो गाइस, हमारे को यहाँ पे बीच पे, क्या नाम है, यहाँ पे बैंड स्टैंड पे एक भाई मिले यहाँ पे, तो बोल रहे थे कि वीडियो में हमें भी ले लो। तो आप लोग नाम बता सकते हैं आप लोग क्या है? ये दिशाम खान, इनका इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे इनका चैनल भी है, रील्स वगैरह बनाते हो क्या? हाँ, रील्स बनाते हो क्या? ये इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, आप लोग इनको फॉलो भी कर सकते हैं जाके। तो काफ़ी अच्छे हैं भाई, मेरे को मिले तो इनका व्यूअर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? यही बोलना चाहूँगा भाई, आप लोग बस सपोर्ट करते रहो, और आप लोग भी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, बस बढ़ते रहो। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भाई को भी सपोर्ट करो। हाँ, मैं इनका होगा चैनल का लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इनको फॉलो कर लेना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं दोनों। I know we
अभी मैं बैंड स्टैंड के ऊपर बैठा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इधर से पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग इधर का। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। आप लोग अगर फ्रेंड के साथ आते हो तो भी बहुत ज़्यादा आप लोग इन्जॉय कर पाओगे, और ये फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा है प्लेसिस है। और बट यहाँ पे पीछे जो गार्डन है वो थोड़ा लवर पॉइंट के लिए है, तो वहाँ पे फैमिली के साथ नहीं जाइएगा तो अच्छा कीजिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो इसके लिए, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ का। और चलिए अभी आगे का और व्यू दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे समुद्र किनारे बैठा हूँ। अभी आप लोग मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं आ रही मुझे नहीं पता, क्योंकि समुद्र की लहरें की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है, और मैंने हेलमेट लगा लिया क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे थे। और इधर का व्यू देख सकते बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इधर हमारे अशोक भाई साहब खड़े। अशोक कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क को कवर करेंगे कि पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा गार्डन है और काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हैं लवर पॉइंट की तरह। क्लाइमेट अच्छा है ना इसका? बहुत बहुत अच्छा है, एसी वाली फीलिंग आ रही है। बढ़िया पेड़ वगैरह ना जो ये काफ़ी हरे भरे हैं बिना बारिश के मौसम में ना। अभी ऊपर का कवर कर रहे हैं, ऊपर से जाके देखते हैं कैसा लगता है गार्डन। ये जो पार्क है, पार्क से इधर सामने का जब भी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से काफ़ी व्यू देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस हम लोग बैंड स्टैंड से काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ पे सामने समुद्र है, समुद्र के बिल्कुल सामने यहाँ पे शाहरुख खान का घर है। इधर आप लोग चेक करते हैं, इधर काफ़ी भीड़ लगी है, इधर ना काफ़ी भीड़ लगी है इधर सामने, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान का बंगला है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो चलो आप हम लोग भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि सामने घर उनका कैसा है और कैसे कैसे लोग वहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ पे। तो गाइड सामने देख सकते हैं शाहरुख खान का घर है, तो काफ़ी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और उनके जो घर का बाहर का जो बोर्ड लगा है उसका नाम है मन्नत, उनकी जो वाइफ का नाम है उनका नाम यहाँ पर लिखा है। तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे शाहरुख खान के घर के सामने। तो आप लोग ऊपर जो देख रहे हैं वहाँ पे कभी कभी शाम के टाइम शाहरुख खान आता है वहाँ पे, अपने फैंस को जो भी है हाई हेलो करते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सब लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो मैंने भी फोटो वगैरह खिंचवाया इधर। तो आप लोग देख सकते हैं शाहरुख खान कलर करता है यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो में हमने कवर किया एंड बैंड स्टैंड एंड शाहरुख खान का बंगला जो था आपको मैंने दिखाया। एंड वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ऐसे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, जैसे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना तो ही आपको नोटिफिकेशन मिल देगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।